दोस्तों, खजूर मार्केट में बड़ी आसानी से किलो के भाव में मिल जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खजूर को पेड़ से तोड़ने के बाद उसको पैकेट में भरे जाने तक का प्रोसेस क्या होता है? किशमिश अंगूर से बनती है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अंगूर को अगर हम घर में सुखाकर किशमिश बनाएंगे तो अंगूर खराब हो जाएंगे, लेकिन किशमिश खराब नहीं होती है। आखिर क्या ऐसा तरीका है बनाने का जिससे किशमिश खराब नहीं होती है? तो चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं वीडियो और आज आपको बताते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। खजूर की फार्मिंग सबसे ज्यादा खाड़ी के देशों में की जाती है, इसीलिए आज हम आपको इराक की राजधानी बगदाद में लेकर चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा खजूर की फार्मिंग होती है। आपको बता दें कि खजूर की खेती गर्म इलाकों में की जाती है। अगर आप भी किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो वहां पर भी आप छोटे छोटे खजूर के प्लांट्स नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं और अपने घर में ही खजूर उगा सकते हैं। खजूर के पेड़ों पर 3 से 4 साल के बाद ही फल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी ये फल कच्चे हैं। कुछ दिनों के बाद खजूर पर अच्छी तरह से फल पक जाते हैं, तब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है और खजूर को तोड़ने का काम किसान ही करते हैं। जिन पेड़ों की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है उन पेड़ों से खजूर तोड़ने के लिए एडजस्टेबल हाइड्रोलिक फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर वर्कर आसानी से चढ़कर खजूर को तोड़ लेते हैं। सारे खजूरों को तोड़ लेने के बाद उन्हें कैरेट में भरकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन खजूरों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है, जिसके बाद इन्हें एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली स्कैनर मशीन के जरिए गुजारा जाता है। इन खजूरों को बारी बारी स्कैनिंग की जाती है ताकि स्कैनर से जुड़े हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर इनकी सारी जानकारी ली जा सके, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन से खजूर अच्छे हैं और कौन से खजूर खराब हैं। फाइनली अब इन खजूरों को स्कैनर मशीन से बाहर निकाल कर आखिर में इन्हें डब्बों में पैक कर दिया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अंगूर से किशमिश कैसे बनता है। किशमिश को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े बगानों में सुल्ताना और अरकावती अंगूरों की फार्मिंग की जाती है। जब इन अंगूरों के पेड़ों पर लदे हुए सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की और कैंची की मदद से सारे अंगूरों के गुच्छों को काट लिया जाता है। गुच्छों को काटने का काम वहां के घरेलू किसान ही करते हैं। सारे अंगूरों की हार्वेस्टिंग करने के बाद इन्हें कैरेट में भर कर गाड़ी में लोड करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, जहां अंगूरों को कैरेट में भर कर पोटाशियम कार्बोनेट और पानी के मिश्रण में अच्छे से डुबोकर धोया जाता है, जिससे इन अंगूरों पर मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। केमिकल से धोने का एक फायदा ये भी होता है कि अंगूर को सुखाने के बाद उसका रंग अच्छा रहता है और सारे अंगूरों को धोने के बाद यहाँ पर इस प्रकार के जालीदार और हवादार रूम बनाए जाते हैं। इन्हीं जालियों के सेट्स पर अंगूरों के गुच्छों को फैलाकर सुखाया जाता है ताकि ये जल्दी से जल्दी सूखकर किशमिश बन सके। अंगूर पर डायरेक्ट धूप लगने से किशमिश अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते, इसलिए इस रूम को छायादार बनाया जाता है ताकि अंगूर धीरे धीरे सूख कर किशमिश में बदल सके। अंगूरों को सूखने में लगभग 10 दिन लगते हैं, इसलिए बीच बीच में अंगूरों पर पोटाशियम कार्बोनेट का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूर का रंग बरकरार रहे। 10 दिन बीत जाने के बाद ये अंगूर सूख जाते हैं। अब ये सूखे हुए अंगूर गंधक प्रोसेस के लिए तैयार है। गंधक प्रोसेस यानी कि सल्फर प्रोसेस। इसके लिए इस जालीदार रूम को एक प्लास्टिक की शीट से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है ताकि अंदर की हवा बाहर ना निकल सके, और इस रूम के अंदर चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं। उन गड्ढों में भूसा डाल दिया जाता है और उनके ऊपर सल्फर पाउडर को डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद सल्फर को जलाने के लिए उसके ऊपर जलते हुए कोयले को डाल देते हैं। सल्फर का धुआं रात भर अंगूर पर लगता रहता है। ऐसा करने से अंगूर तेजी से सुखड़ने लगते हैं और सुबह इस जालीदार रूम से प्लास्टिक कवर को हटा दिया जाता है और 3-4 दिन तक सूखने के लिए अंगूरों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सूखने के बाद फाइनली अब जालीदार रूम से इन अंगूरों को निकाल कर कैरेट्स में भरा जाता है और सारे कैरेट्स को ट्रक में लोड करके किशमिश फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले सारी किशमिश को वॉश किया जाता है। इसके लिए कैरेट्स में मौजूद किशमिश को होपर में डाल दिया जाता है, जिसके
बाद किशमिश कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ती है। यहाँ किशमिश को पानी में डाल देते हैं, जिससे किशमिश के अंदर की सारी धूल मिट्टी और गंदगी साफ हो जाती है। अब इन किशमिश को घूमते हुए ड्रायर में से गुजारा जाता है ताकि अच्छे से सूख जाए। फिर इनको कैरेट्स में भर कर थोड़ी देर के लिए धूप में बाहर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। किशमिश में मौजूद खरपतवार को निकालने के लिए इन्हें वाइब्रेटिंग मशीन से गुजारा जाता है। ये मशीन सारे खरपतवार को किशमिश से अलग कर देती है। इसके बाद किशमिश कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरी मशीन में जाती है, जहां किशमिश की डंठलों को अलग किया जाता है। सारे डंठल किशमिश से अलग हो जाती है। अब किशमिश के दाने आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद आखिर में इन्हें सॉर्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में खराब और छोटे किशमिश के दाने अलग हो जाते हैं और बाकी अच्छे बड़े किशमिश के दाने दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अब किशमिश में तेल को डाला जाता है, जिससे किशमिश में चमक आ जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये मार्केट में अच्छे दामों में बिक सके। तो अब ये पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और पैकिंग चैम्बर में अलग अलग क्वालिटी के मुताबिक अलग अलग कार्टून के डिब्बों में इन्हें भर दिया जाता है। उसके बाद लोड करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि किशमिश और खजूर कैसे बनते हैं और कैसे प्रोसेस होके आप तक पहुंचते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया से जुड़े रहने के लिए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।